कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना को एक महीना पूरा होने पर खातेगांव में अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। बीते 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हुई हत्या की घटना के विरोध में खातेगांव की सड़कों पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित भारत के विभिन्न प्रांतों से आए निर्माण कार्यों में लगे कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस हो, क्योंकि हम भी लेडीज हैं और वो भी एक लेडी है और वो डॉक्टर है, जो प्रोफेशन सबसे अच्छा है और सबके सेवा में लगा है। वो डॉक्टर अगर सेफ नहीं है तो हम लोग तो साधारण है। तो इसलिए हम लोग सब चाहते हैं, सब भारतीय मिलकर चाहते हैं कि जस्टिस हो। हम चाहते हैं जो सबको सुरक्षा दे, सरकार प्रोटेक्शन दे, और जो विक्टिम हुआ है और जिसको रेप हुआ है उसके अगेंस्ट में जो अपना चल रहे विचार, उसको जल्दी से जल्द विचार हो जाए और सबको विचार प्रॉपर मिले और दोषी को बराबर शास्ति मिले, फांसी मिले, अल्टीमेटम मिले और ऐसा रूल्स निकले जिसमें हम लोग देख सकते हैं हम लोगों का घर का लड़कियां लोग, बेटी लोग सुरक्षित है। आज कोलकाता में जो घटना हुई उसके विरोध में हम अलग अलग जगह से सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस घटना की कड़ी निंदा करने के लिए, और सभी से और सरकार से सभी से यही निवेदन करते हैं कि इस घटना के लिए जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी आए और ऐसा जस्टिस हो जिससे कि आगे ऐसी कोई भी घटना अपने देश में किसी भी बेटी, किसी भी बहन, माँ के साथ में ना हो और सभी सुरक्षित महसूस करें। हम लोग यहाँ आज जमायत हुए विभिन्न कंपनी से, हमारा भाषा भी अलग अलग है, हम अलग अलग राज्यों से जुड़ा है, बट हम लोग यही चाहता है कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है लड़की के साथ, वो किसी के साथ बैठे हो, वो हमारा बहन जैसे, तो उसका प्रतिरोध करके हम लोग आज ये रैली में निकले, लोग को अवेयरनेस के लिए हम लोग ये निकला है और हम लोग का यही राय है सरकार के पास कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी इसका राय दे और जो जो इसका अगेंस्ट से जुड़ी है उसको फांसी का सजा दिया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।